महकमा DPFO जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिजवानुद्दीन ने डाक बंगला पुंछ में तमाम महकमा जात के ऑफिसरान के साथ की मीटिंग मुनक्कद EPF ऐप के हवाले से किया तबादला ख्याल, मुख्तलिफ किस्म की दी गई जानकारी। सनपुरा नंगाली साहब में पस्सी गिराने से गुरुद्वारा के मुतसिल ढांचा को नुकसान, किसी तरह के जानी नुकसान से बचाव इंतजामिया की जानिब से फौरी इकदाम उठाए गए। मेंढर के जंगलात में नाजायज तजावजात के खिलाफ कार्रवाई, नाजायज तजावज कर रही एक JCB को किया गया जब्त। आरा से जिला अस्पताल पुंछ को जाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार, ड्राइवरों और आम शहरियों ने किया बरहमी का इजहार, सड़क की मुरम्मती का क्या मुतालबा। आज मैं आपको बताऊँ, मेरा साथ ही घर है, तो हमारा आज तक यहाँ से आना जाना रहता है। और सबसे मेन जो हॉस्पिटल की जो रोड है, जो डीसी साहब ने वन वे किया था, हॉस्पिटल एक तरफ से गाड़ियाँ आएंगी, दूसरी तरफ से जाएंगी, ये उसका एक अहम रोड है जो एमरजेंसी में बहुत काम आती है। और मैं आप मीडिया के साथियों से डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को श्रीनगर में अमीर कबीर शाह हमदा का उर्स न्याय थी, तो उसको एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। یہ اس نے مومنیت کیا نہ اس اسلام بوائے بولیا کو لگ رہا ہے، لیکن ان کی تشریف آوری سے کن کی دی حضرت بنی اسلام جناب حضرت امیر کبیر میر سید الحمدین قدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف آور آئیس राहुल गांधी ने बयांद केरला में जराया ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ की बात, कहा BJP और RSS ने मुल्क के हालात को बनाया खराब, कहा कांग्रेस अवामी जमा। It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister. It is the Home Minister. It is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly, the creation of this
environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India. It is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. अमरनाथ यात्रा के लिए रामबन और सोपोर से एक और जत्था गुजरा। यात्रियों ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम की सराहना। फाइनली हमें ये टिकट मिल गया है, तो हम लोग कल से चढ़ाई करेंगे। मैं और मेरा भाई आए हैं, हम दोनों ही आए हैं यात्रा के लिए, तो काफी उमंग है और काफी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मेरा नाम पार्थ राउत्रा है, मैं उड़ीसा से हूँ और हम लोग 3 साल के बाद आ रहे हैं। बहुत उत्साह है हमारे अंदर। हम लोग 9 जन आए हैं उड़ीसा से, सब एक साथ हम लोग भाई है आए हैं बाबा के दर्शन के लिए। बहुत मनसा था, मतलब बचपन से हम सुने आ रहे थे और आज मतलब फाइनली हमको जाने का मौका मिल रहा है। हम लोग सब मतलब बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। सुविधा सर सब अच्छी है, सारी फैसिलिटी कर रखी है, सिक्योरिटी वगैरह सबका ध्यान रखते हुए। सब इंस्पेक्टर की भर्ती में कामयाब उम्मीदवारों का एहतजाज, इंक्वायरी पर किया तश्वीश का इजहार। कहा गवर्नर साहब अपने फैसले पर नजर सानी करें। बच्चे बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ, पर हमारा किसी ने पहलू सुना ही नहीं। हम मेरिटोरियस कैंडिडेट है जो टॉप 100 में आए हुए हैं। अगर गवर्नर साहब हमारी बात सुन रहे हैं, उनको ये हमारी दरख्वास्त है कि जो आपने अपील की है स्क्रैपिंग की, उसे वापस ले लिया जाए। और जो अगर लिस्ट में, अगर मैं तो कहता हूँ कि कोई भी स्कैम नहीं हुआ, अगर कोई स्कैम हुआ भी है तो कल्फरेट को बाहर करो और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको रीफ्रेम करके लिस्ट में डाला जाए। ऐसी में सेम जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है नीट के केस में। एक हफ्ता पहला उन्होंने बोला है कि अगर फ्रिंज एलिमेंट दो से तीन चार परसेंट भी पाए जाते हैं तो लिस्ट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लिस्ट को रीफ्रेम करके उन्हीं बच्चों को वापस बहाल करना चाहिए। और 2 महीने पहले यूपी में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे पीईटी गवर्नमेंट ने पैरेलली प्रोसेस चलाया और पीईटी के बाद रेफ ने कोशली नाला मयात्रा में 100 फीट ट्राइबल डबल पुल कायम किया। मुकामी लोगों की सहूलत के लिए बनाए जा रहे पुल के बारे में ग्रेफ के ऑफिसरान ने दी जानकारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पैंथर्स पार्टी के बानी प्रोफेसर भीम सिंह को किया खराज पेश। कहा, बहुत बड़ा सेक्युलर लीडर हमसे जुदा हो गया। भीम सिंह नेक आदमी और शरीफ आदमी, और उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो हर एक के लिए अपने दरवाजे उसने खुले रखे। उसने कभी न मजहब का फर्क किया, न किस जबान से बोलने वाला है, किस जगह का है, बल्कि यही देखता था कि उसका दर्द जो है उसके दर्द को वो कम कर सके। एक महा सेक्युलर लीडर हमसे जुदा हो गया। एचपी की जानिब से जम्मू में पहला खवातीन पेट्रोल पंप कायम। पेट्रोल पंप पर खवातीन करेंगी काम। खवातीन ने किया खुशी का इजहार। फंस जाती है, लेकिन ये लेडीज के लिए जो है एक्सक्लूसिव जो बनाया गया है
और लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और मैं सब लेडीज़ को बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ आएँ, और यहाँ पर जो ये वर्कर्स फिलिंग के लिए रखी गई हैं तो इनको भी जो है रोज़गार मिलेगा, और महिलाओं को भी जो है परेशानी का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज वो वक्त है जहाँ पर महिलाओं को जो है शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, और आगे बढ़े, अपने परिवार के लिए जो है एक सहारा बने। और हर महिला जो है हर क्षेत्र में जो है आगे है। अगर लेडी इंजीनियर हो सकती है, पायलट हो सकती है, तो पेट्रोल पंप फिलर क्यों नहीं हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये